ताजनगरी स्मार्ट सिटी बन रही है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं से ही शहर जूझ रहा है। संजय प्लेस में महिलाओं के लिए टॉयलेट ही नहीं है। महिलाओं से इस संबंध में संवाददाता विनोद जूनियर ने उनकी राय जानी तो महिलाओं ने चौंकाने वाले जवाब दिए। संजय प्लेस की एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। वैसे तो ये काफ़ी पॉश मार्केट है, लेकिन यहाँ पर क्या टॉयलेट की सुविधा है इसका हम जायज़ा लेते हैं। पूर्व में जब सी न्यूज़ ने मुद्दा उठाया था तो पिंक टॉयलेट यहाँ बना था, आप देख रहे हैं, जो राजन कैटर्स लिखा हुआ है। इसी जगह पर टॉयलेट की व्यवस्था नगर निगम ने की थी, और लेकिन अब आज की डेट में अगर देखें तो लगभग एक दो महीने से यहाँ पर ये स्टॉल लगने लग गई है। पहले यहाँ पर महिलाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था की गई थी, लेकिन अब स्टॉल लग रही है। और ये देखिए टॉकीज, संजय टॉकीज ठीक सामने है मेरी तरफ, ये टॉकीज मेन टॉकीज है इस शहर की, यहाँ पर इस मार्केट के अंदर। लेकिन टॉयलेट की व्यवस्था यहाँ पर शायद नहीं है, यहाँ से टॉयलेट हटा दिया गया है, पिंक टॉयलेट खत्म हो गया है। ये संजय प्लेस साहब देखिए, पूरा पॉश मार्केट यहाँ पर, लोगों का कितना आना जाना रहता है। अभी सुबह का समय था इसलिए लोगों को थोड़ा सा आना जाना कम है, लेकिन हम यहाँ जानेंगे लोगों से, जो यहाँ पर महिलाएँ आ रही हैं, जो यहाँ पुरुष हैं, वो आखिर अनकर उनको टॉयलेट अगर आती तो कहाँ जाएंगे, वो कैसे करेंगे। यहाँ पर राम बारात भी सजी और यहाँ पर विकास भी हुआ, लेकिन टॉयलेट नहीं बन पाया। यहाँ पर देखते हैं कुछ लोग से हम बात करेंगे जो है कि अगर उनको इस तरह की अगर स्थिति उत्पन्न होती है तो आखिर क्या करने के लिए जाएंगे। चूँकि पूर्व में भी सी न्यूज ने इस तरह का मामला उठाया था, और हम अब भी जो है बात करेंगे यहाँ पर, चूँकि कुछ यहाँ पर लेडीज आ रही हैं, हम इनसे बात करते हैं। एक सेकंड ज़रा, यहाँ पर एक मिनट रुकिए ज़रा, आप लोग रुकिए ज़रा, ये बताइए आप लोग यहाँ काम करते हैं या घूमने आए हुए हैं? हम यहीं के हैं। अच्छा। हाँ, हम आउट ऑफ स्टेशन काम करते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे एक बात बताइए कि जैसे मार्केट में आप लोग आए, काफ़ी देर तक शॉपिंग की यहाँ पे, टॉयलेट की सुविधा यहाँ पर कहीं भी नहीं है, अगर आती है तो क्या करेंगे आप लोग, कहाँ जाएंगे? टॉयलेट की होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, गर्ल्स का और सब लोग, मतलब जो फीमेल्स हैं उनको प्रॉब्लम होती है, मेल्स तो कहीं भी चालू हो जाते हैं पर फीमेल्स को प्रॉब्लम होती है। तो इस एरिया में कम से कम 4 से 5 तो टॉयलेट होना चाहिए। हालांकि जहाँ तक मुझे आइडिया है, मेरे ख्याल से तो शायद नहीं है, इधर होगा भी तो उसका पता नहीं है मुझे। कभी आपने देखा था यहाँ कहीं बना था टॉयलेट, पिंक टॉयलेट बनाया गया? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। तो आप लोगों के साथ अगर ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाए तो आप लोग कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? इधर उधर ही जाना पड़ता, पूछना पड़ता और मना करता, सबसे पूछना पड़ता। आगे कॉलेज छोड़ता है, डीआई कॉलेज। कोई जगह देता आप लोगों को? नहीं, ऐसे कोई जगह नहीं देता है कि मतलब ऐसा कोई परमिशन ही नहीं देता है कि आप यहाँ पे कर लो या ऐसा कुछ परमिशन यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं देते वो। तो प्रॉब्लम तो होती है, हर गर्ल्स को प्रॉब्लम होती है, बहुत समस्या है। हाँ, कोई कोई करने भी देता है यूज़, कोई कोई नहीं भी करने देता, पर किसी को अगर जाना पड़े, गर्ल्स में तो होती है प्रॉब्लम, तो कैसे वो करेंगे वो लोग? क्या क्या मांग करते हैं, क्या अपील है, क्या चाहते हैं आप लोग? बस वॉशरूम अरेंज हो, वॉशरूम बनवाए सब लोग, गवर्नमेंट भी, कोई नॉर्मल गर्ल्स हैं ना जो मतलब रह सकती हैं, बाद में हो जाएगा, लेकिन जो अगर किसी को अर्जेंट हो और जाना ही जाना है तो उसके लिए तो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ना। तो इस एरिया में क्या, आगरा में जहाँ भी कोई भी ऐसा है तो टॉयलेट तो होना चाहिए, 4 से 5 तो टॉयलेट होना चाहिए, और उसमें सफाई भी होना चाहिए। सिर्फ टॉयलेट हो जाए उसके लिए वो नहीं है, सफाई भी होना ज़रूरी है। वैसे आपको लग रहा है कि ये स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है और स्मार्ट सिटी के नाम पर यहाँ राम बारात भी सजी, भगवान राम का भी यहाँ पे बारात भी आई और ये सब विकास हो गया, फुटपाथ बन गए सारे, आप देख रहे हैं, ये पार्किंग बन गया जो ख़राब थी, लेकिन टॉयलेट नहीं बना। एक्चुअली जब ये हुआ था ना, हम लोग नहीं थे, हम लोग अभी कुछ 10 दिन पहले ही आया था। भले भी आप कितनी भी तरक्की, कितना भी विकास कर लो, अभी किसी के लिए फैसिलिटीज ही नहीं होगी लेडीज़ के लिए, तो फिर क्या फ़ायदा फिर ऐसी तरक्की का, जब कोई लेडीज जा ही नहीं पाए, जिसको इतनी भी अर्जेंट पड़ जाए तो फिर क्या होगा? प्रशासन से क्या मांग करेंगे? बस लेडीज़ के लिए टॉयलेट वगैरह का अरेंजमेंट करें, लेडीज़ के लिए क्या, जेंट्स के लिए भी करें, उनको भी जाना होता है। ये चीज़ तो रेगुलरली है, ऐसा नहीं है कि ये साल में एक बार ऐसा होने वाली है, जो चीज़ रेगुलरली है वो तो होना ही चाहिए। गर्ल्स को प्रॉब्लम होती है बहुत सारी, तो उनको तो जाना जरूरी है ना। जेंट्स हमारी दो लेडीज़ से बात हुई, दो युवतियाँ थी यहाँ पर जो मार्केट में घूम रही थी, यहीं के रहने वाली थी, उनका कहना है कि अगर जेंट्स तो कहीं भी चला जाता है, लेकिन लेडीज़ के लिए प्रॉब्लम होती है, उनके साथ तमाम समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। अब शोष और शर्म की बात है कि पिंक टॉयलेट बनाया गया, उसे ख़त्म कर दिया गया, अब यहाँ टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, ऐसे में महिलाओं को सबसे ज़्यादा समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। इससे ज़्यादा और शर्म की बात शहर में क्या हो सकती है? कैमरा पर्सन मनोज साथ विनोद जूनियर, सी न्यूज़ आगरा।